हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू मेक लौकी के कोफ्ते। यस फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही इजी होता है। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना इज़ मस्ट। हमने लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए एक मीडियम लौकी ली है, उसे हमने ग्रेट किया है। ग्रेट करने के बाद आप उसको अच्छे से स्वीज कर लीजिए। इस तरीके से आप उसका सारा पानी निकाल लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप सारी लौकी में से पानी निकाल लीजिए। उसके बाद आप पानी को फेंकिए नहीं, आप उसको एक कप में साइड में रख दीजिए। उसके बाद मैंने उसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद मैंने इसमें लिया है 2 कप्स ऑफ बेसन। बेसन ऐड करने के बाद आपको उसे अच्छे से मिक्स करना है। ऑल इंग्रेडिएंट्स को आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको बैटर को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, अदरवाइज़ वो बहुत पतला हो जाएगा क्योंकि लौकी बहुत पानी छोड़ती है। मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप गरम तेल में कोफ्ता बॉल्स को डीप फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप हाथ में बैटर को लेके इस तरीके से आप उसे डीप फ्राई कर लीजिए। आपको उसे लो फ्लेम पर पकाना है टिल गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे कोफ्ते हो जाएंगे। तब तक आपको उसे तलना है। बीच बीच में आप उसे इस तरीके से फ्लिप भी कर लीजिए। ये देखिए, आप जब कोफ्ते डालेंगे आपका ऑयल बहुत गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप फ्लेम लो कर दीजिए। फ्लेम लो करने से आपके कोफ्ते बहुत अच्छे से पकेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप सारे कोफ्ते पका लीजिए। हमारे कोफ्ते थोड़े गोल्डन कलर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। ये देखिए, कोफ्ते बहुत अच्छे से आपको इन्हें पकाना है। अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, इनका कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन आया है। उसके बाद ग्रेवी के लिए मैंने 2 टोमेटोज़ लिए हैं और एक ग्रीन चिली लिए है। आप उसकी प्यूरी बना लीजिए इस तरीके से। उसके बाद मैंने सेसमी सीड्स लिए हैं, आप उनको रोस्ट कर लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए। अगर आपके पास सेसमी सीड्स नहीं है तो आप मूंगफली के दाने का पाउडर भी ले सकते हैं, काजू का पाउडर भी ले सकते हैं ग्रेवी के लिए। उसके बाद मैंने एक पैन में तेल गरम किया है। मैंने 3 टीस्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने हींग डाला है। हींग डालने के बाद मैंने इसमें राय 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून और उसके बाद मैंने इसमें डाला है सेसमी सीड्स पाउडर। आप उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से कुक होने के बाद मैंने इसमें डाली है टोमेटो प्यूरी। ये देखिए, इस तरीके से टोमेटो प्यूरी को हम ऐड करेंगे। उसके बाद आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कुक कर लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, मसाले। अब मैंने मसाले बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किए हैं क्योंकि हमने पहले डाल दिए थे। 1/4 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ले लीजिए। आपकी ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुकी है। ये देखिए, इस तरीके से ग्रेवी जब कुक हो जाए तो जो हमने लौकी का जो पानी रखा था साइड में, आप उसे ऐड कर लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी और मिक्स किया है। हमारी जो ग्रेवी बनेगी वो बिल्कुल पतली होगी। ये देखिए, ये जो कोफ्ते हैं उसके बाद मैंने ग्रेवी में इन्हें ऐड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे कोफ्ता बॉल्स को ग्रेवी में ऐड किया है। फ्रेंड्स, अभी ये ग्रेवी बहुत पतली है। ये जब कोफ्ते अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, आपको इनको सिर्फ 5 मिनट ही गैस पर कुक करना है। जितना भी ग्रेवी का पानी है कोफ्ते सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी,
ये देखिए हमारी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप अपनी चॉइस का कौन सा भी बाउल ले सकते हैं, सर्विंग डिश बाउल, उसमें आप कोफ्ते को सर्व कीजिए। ये देखिए इस तरीके से, साथ ही साथ आप उसमें ग्रेवी भी ऐड कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें रोस्टेड सेसमी सीड्स ऊपर से डाले हैं, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है कर्ड। कर्ड के साथ लौकी के कोफ्ते बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसके ऊपर दही ज़रूर ऐड कीजिए। जैन स्टाइल में हमारी लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना इज़ मस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।